जय गौरांग, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद, शचिनंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतरण दिवस गौर पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्तावतार हैं। कलयुग में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, इस कलयुग में जहाँ चारों ओर कलह है, पाप है, पाप का साम्राज्य है, ऐसे में मानव जाति के ऊपर करुणा करते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व भारत के बंगाल प्रांत के नवदीप जिले के मायापुर नामक स्थान पर माता सची की गोद में जन्म लिया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को भजने का, इस महामंत्र का जप करने का संपूर्ण मानव जाति को आदेश दिया और बतलाया कि एकमात्र यह महामंत्र ही इस कलयुग में मानव जाति के कल्याण का मार्ग है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में महान ऋषि मुनियों, महान संतों ने भगवान की तपस्या के द्वारा, भगवान के आराधना के द्वारा अपना मोक्ष प्राप्त किया, भगवत धाम को प्राप्त किया, परंतु हम कलयुग के बद्ध जीवों के लिए उनके समान सैकड़ों वर्षों तक, सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या करना, यज्ञ अनुष्ठान करना संभव नहीं है। इस कलयुग में मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में हरि नाम की धुन से, हरि नाम संकीर्तन से संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण मानव जाति को यह आदेश दिया, यह मार्ग प्रशस्त किया कि मानव जाति केवल और केवल हरि नाम के संकीर्तन के द्वारा ही भगवान का नाम का स्मरण करके अपना कल्याण कर सकती है। मित्रों, आज के इस समय में जब हर कोई मनुष्य भाग दौड़ भरे जीवन को जी रहा है, जहाँ पर उसके पास में समय का अभाव है और मानव का चित्त पूर्ण रूप से भगवान की मोहिनी माया के द्वारा हर लिया जाता है, बद्ध जीव इस माया के प्रभाव में पड़कर इस भौतिक संसार में निरंतर जन्म से लेकर और मृत्यु तक रत रहता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का, भगवान के निज धाम का ध्यान तनिक भी नहीं आता है। किंतु इस कलयुग में, इस कलयुग के घोर प्रभाव से बचने का एकमात्र उपाय हरे कृष्ण महामंत्र है, जो कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की देन है। चैतन्य महाप्रभु ने मानव जाति को अपने कल्याण का एक अत्यंत सुलभ और सरल और सहज यह मार्ग प्रशस्त किया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट आदेश किया है कि जो कोई हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप करता है, संकीर्तन करता है, वह निश्चित रूप से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, हम कलयुग के जीवों की इतनी योग्यता नहीं है कि हम श्री कृष्ण की आराधना कर सकें, हम उनसे विनती कर सकें। हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आराधना के द्वारा, विनती के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण के धाम को पा सकते हैं। श्री कृष्ण ने इस कलयुग में भक्ति का आस्वादन करने के लिए, इस कलयुग के लोगों को भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भक्तावतार के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण लिया। दोस्तों, हम सभी चैतन्य महाप्रभु को एक महान संत, एक महापुरुष के रूप में तो जानते हैं, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण के गौर अवतार के रूप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। वर्तमान कलयुग में जहाँ पर हम सभी हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, भगवत भक्तों के संग के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं, ऐसा मार्ग
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रशस्त किया। महाप्रभु अपने जीवन काल के दौरान निरंतर यह शिक्षा देते रहे कि हमें गुरु शिष्य परंपरा में अपने आप को दीक्षित करके और भगवान के हरि नाम में अपने आप को लगा देना चाहिए। कलयुग में भगवान की विशेष कृपा है कि केवल हरे नाम के संकीर्तन को निरंतर अभ्यास में ला करके कोई जीव कोई मनुष्य एक ही जन्म में भगवान के धाम को पा सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र के निरंतर ध्यान जाप और संकीर्तन से हम इस हमारे एक जन्म में ही भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारा परम सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के लगभग 500 से 600 वर्षों के बाद ही हमने इस धराधाम पर इस मनुष्य देह को प्राप्त किया है और मानव देह का प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि हम इस देह का उपयोग भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र के उच्चारण का निरंतर जाप करने में करें। दोस्तों, कलयुग का यह जो विस्तार है लगभग 432,000 वर्षों तक का है, जिसकी प्रथम संध्या लगभग 4,500 वर्षों के बाद हो चुकी है। और दोस्तों, यह जो भगवान का भक्त अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ, यह कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ही हुआ है। दोस्तों, भगवान जब कलयुग के अंत में संपूर्ण मानव जाति को पाप से मुक्त कराने के लिए, दुष्टों के संहार के लिए भगवान कल्कि के रूप में जब अवतार लेंगे, तो वो भक्ति का उपदेश नहीं देंगे, वो केवल दुष्टों का संहार करेंगे। मित्रों, संपूर्ण मानव जाति के पास 10,000 वर्षों का ही समय शेष है कि वह भगवत धाम में अपने आप को पुनः स्थापित कर पाए। इन 10,000 वर्षों में हरे नाम संकीर्तन के प्रभाव से हम हमारे एक ही जीवन काल में श्री भगवान के परम धाम को, हमारे निज धाम को, भगवान के निज धाम को निज स्वरूप में हम स्थापित होकर के भगवान के सानिध्य में हमेशा के लिए जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए इस आदेश का हमें पालन करना चाहिए और नित्य निरंतर हरे कृष्ण संकीर्तन में रत रहना चाहिए। हरे कृष्ण। कलयुग के जीवों के कल्याण हेतु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र को दे करके चैतन्य महाप्रभु ने मानव जाति पर उपकार किया है। हम सभी को चैतन्य महाप्रभु का नित्य स्मरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इस मंत्र के नियमित उच्चारण से हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को नित्य निरंतर प्रणाम करें, नमन करें। हरे कृष्णा।